कि प्रियंका चौधरी और सतपाल मलिक जी के बीच में भाड़मेर का बच्चा बच्चा जानता है। एक नेता जी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा हमारे यहाँ सरकार बनाने की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से मेरी दूरियां, ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। पर जिस तरह से उस परिवार की पगड़ी आप लोगों ने उछाली, क्या वो सही है गलत है? भाड़मेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसानों में कौन लेकर आए थे? वो सत्यपाल मलिक जी लेकर आए थे। गंगाराम जी चौधरी साहब कांग्रेस में आना चाहते थे, सत्यपाल मलिक जी के कारण गंगाराम जी चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी में गई। आज उन सत्यपाल मलिक जी की आज इतने सालों के आपस में संबंध और इतने सालों के संबंध को आप लोग ये बात कह रहे हो सार्वजनिक तौर के अंदर कि प्रियंका चौधरी और सतपाल मलिक जी के बीच में भाड़मेर का बच्चा बच्चा जानता है। और कोई भी हकीकत जानना चाहता हर कोई जानता है कि सतपाल मलिक जी और गंगाराम जी के क्या रिश्ते थे और आपस में ट्रांजेक्शन, आप एक की बात कर रहे हो, उनके मन के ट्रांजेक्शन, उनके दिल के ट्रांजेक्शन हम सब लोग जानते हैं। उसका नुकसान भी हम लोगों ने उठाया। भारतीय जनता पार्टी जब मजबूत हुई थी कांग्रेस ने हमने नुकसान भी उठाया, पर किसी प्रकार की शब्दों की बात, किसी भी प्रकार के विवाद हमने उस दरमियान नहीं किया। क्या इस तरह का पगड़ी उछालने का क्रम सही है गलत है? मेरे आप सब लोगों से निवेदन है, इसका फैसला आप लोग करो। राजनीतिक दलों के बारे में मैं बातें कर ही चुका हूं। एक नेताजी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा हमारे यहां सरकार बनाने की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से मेरी दूरियां। मैं उनको वापस याद दिलाना चाहता हूं जो सच्चाई है भाईतू के अंदर राजस्थान में, आप सच्चाई बोलो, सच्चाई का साथ दुनिया दे देगी। गलत बात अगर हम लोग कर झूठ बोलकर हम लोग इन लोगों से मदद मांगना चाहते हैं तो भाईतू भाड़मेर मलानी के अंदर नहीं हो सकता। उन्होंने शुरुआत जो आज नागौर के लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की जड़ से करी थी। जब छात्र संघ में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैंने वार्षिक उत्सव पर लेकर आया था, उनसे मैं पूछना चाहता हूं जब वो अध्यक्ष थे तो कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो मंच पर लेकर आए? मैंने चुनाव लड़ा तो मैंने कांग्रेस पार्टी से पहला चुनाव लड़ा, उन्होंने चुनाव लड़ा तो कौन सी पार्टी से लड़ा? भारतीय जनता पार्टी से लड़ा या नहीं लड़ा? नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने मत दिया या नहीं दिया? हरीश चौधरी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनाने को मत दिया और आपने नरेंद्र मोदी जी को मत दिया। हम लोग 5 साल तक अपनी सरकार बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और आप भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के साथ मिलकर इस सरकार के खिलाफ हर समय आपने मत दिया और उसके बाद में आप ये बात करते हैं। राजस्थान के अंदर एक भी पंचायत समिति आप बताओ जिसमें आपने भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को मदद करी हो। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रधान बनाए और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने आपके प्रधान बनाए, ये पूरे राजस्थान था। एक जिला परिषद का सदस्य बाड़मेर के अंदर जीते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही गलत थी तो दोनों से दूरियां करनी थी, पर नहीं, अंदर से गठजोड़ कुछ और था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख के उम्मीदवार को वोट। उनके व्यवहार के बारे में मेरे पास कोई बात नहीं है, शब्द और आचरण माशा अल्लाह, मेरे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं। वो ये कहते हैं कि मेरे मंच पर बैठे हुए सब मेरी मजबूरी और मैं दुनिया को कहना चाहता हूं, और वो कहते हैं विश्वास नहीं करो। मैं ये कहता हूं कि मेरे मंच पर बैठे हुए लोग मेरे से काबिल है और इनके ऊपर मेरे से ज्यादा आप विश्वास करो। इन लोगों की ताकत सही और सामने बैठे हुए लोगों की ताकत सही मैं आज खड़ा हुआ हूं। पच्चीस तारीख को सभी भाईचारे के साथ अपन लोग आगे बढ़े, हर समाज को हरीश चौधरी की प्रयास राम।